बिहार के समस्तीपुर जिले में एक क्वारंटाइन सेंटर में अश्लील डांस का आयोजन किया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो को ट्विटर पर शेयर कर लोग नीतीश सरकार की आलोचना कर रहे हैं। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय जो कि क्वारंटाइन सेंटर है, उसमें डांस कार्यक्रम किया गया था। वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। इस क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को रखा गया है। अब स्कूल में डांस प्रोग्राम के कलाकारों के प्रवेश पर सवाल खड़ा हो गया है। वीडियो के वायरल होने के बाद बिहार के नेता पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा है, बिहार के क्वारंटाइन सेंटर में अश्लील डांस, पूरी सरकार, प्रशासन और व्यवस्था ही अश्लील है। मजदूरों को खाना नहीं मिल रहा है, मैं उनके सोने का ठिकाना है। नीतीश जी और उनके नेताओं का मनोरंजन जारी है। वहीं इस वीडियो को आरजेडी ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रीट्वीट किया है। जिस ट्विटर यूजर के ट्वीट को आरजेडी ने रीट्वीट किया है, उसने लिखा है, बिहार समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड के देवरी करच पंचायत क्वारंटाइन सेंटर में जनप्रतिनिधि द्वारा कराया गया बालाओं का डांस प्रोग्राम, पलटू बाबा के राज में पूरा बिहार ही तमंचे पे डिस्को कर रहा है, तो जनप्रतिनिधि जी भी कैसे पीछे रहते, जस गरु तस चेला। एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा है, बिहार के समस्तीपुर में क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों के लिए बार बाला का डांस। वहीं प्रदीप तिवारी नाम के यूजर ने तंज कसते हुए लिखा है, कोरोना का डर दूर करने के लिए क्वारंटाइन सेंटर में इंतजाम बिहार की तरह होना चाहिए। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है, बिहार में बाहर है, क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों ने जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर कराया बालाओं का डांस प्रोग्राम। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एडिशनल कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमने मामले का संज्ञान लिया है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। हमने वहां टीवी की व्यवस्था की है, प्रशासन वहां बाहर से किसी भी मनोरंजन की इजाज़त नहीं देता है। बिहार में कोरोना महामारी के बीच हर दिन क्वारंटाइन सेंटर में हो रहे बवाल और बद इंतजामी की शिकायतों पर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से जवाब तलब किया है। What?